So dear friend, so today we are going to discuss about why can't we speak English? हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. और 5 टिप्स फॉर अ सिंपलर वे टू स्पीक इन इंग्लिश. व्हेन वी कंसीडर अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, सो देयर आर सो मेनी रीजंस. ओके, बट जो बेसिक रीजन है उस बेसिक रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और अब अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतरीन तरीके से, एक शानदार तरीके से फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ. लेकिन आपको ये जो 5 टिप्स जो मैं बता रहा हूँ उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपको फॉलो करना है. इस 5 टिप्स को जब आप फॉलो करोगे तो आप ये सोचिए कि ये जो टिप्स है ये यूट्यूब चैनल के लिए नहीं बनी हुई है, या मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं है. तो ये जो टिप्स है, इस टिप्स को आपको अपने जीवन में ट्रांसलेट करना है. और जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली आपको सुनना है और समझना है. और जो मैं बता रहा हूँ आप उसको एनालिसिस भी करना है कि वाकई में ये जो 5 टिप्स जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैसे यूजफुल है. और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आप इन 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हो. और नो डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो चलिए टिप्स नंबर 1, व्हाट इज द टिप नंबर 1. तो देखिए, जनरली जो हम भारतीय लोग होते हैं ना, उनके मन में इंग्लिश के प्रति डर है. सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. देखिए, जो गलतियां होती है ना, इन द बिगिनिंग, ये नेचुरल प्रोसेस में, तो हमें उन गलतियों से नहीं डरना है. और इंग्लिश के प्रति तो हमें किसी भी तरह से कोई डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अधिकांश लोगों में, जो 90% लोगों में ये पाया गया है कि वो इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके मन में डर रहता है. वो ये सोचते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कहेगा, उनके कलीग्स क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल के बारे में वो सोचते रहता है, या जो भी उनसे जो बड़े लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं या ऑफिस के लोग हैं या जो किसी सेमिनार में जाता है, तो बाकी लोगों के बारे में बहुत सोचता है वो. और उनको ऐसा लगता है कि वे लोग मुझसे सुपीरियर है, वो बेहतरीन तरीके से इंग्लिश जानते हैं, और मैं उनके सामने अगर इंग्लिश बोलने में कोई गलतियां करता हूँ तो वो अपने आप को एकदम डरा हुआ महसूस करता है. और उसी डर की वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाता. ऐसा है, इसलिए हिंदी में कहावत भी है, डर गया सो मर गया. इसलिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश का जो डर अगर आपके मन में रहेगा तो डेफिनेटली आप कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ. तो सबसे पहले आपको अपने मन से, अपने दिल दिमाग से जो डर है आपको निकालना है. डोंट कंसिडर अबाउट योर मिस्टेक, बिल्कुल नहीं. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल कम टू नो योर मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाई बी कॉन्फिडेंट. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है. पीपल कैन ओनली करेक्ट योर मिस्टेक्स व्हेन दे हियर यू मेक देम. और लोग जब आपकी इंग्लिश सुनेंगे, गलतियां निकालेंगे, ओके, लेट देम डू. और कुछ ऐसे भी फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग मिलेंगे, या जो आपके ऑफिस के लोग, या जहाँ पर भी आप काम करते हो, या अगर कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, या कहीं पर भी हो, वे लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे. तब सपोर्ट करेंगे अगर आप ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में इंग्लिश बोलना है. ठीक है, शुरुआत में हो सकता है वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, हंसने दो. आप उनकी कहने पर, या वो जिस तरह से वे निगेटिव सेंस में आपसे बात करे, वो निगेटिव सेंस आपके दिल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो तो नो डाउट आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो. इसलिए डोंट कंसिडर अबाउट योर मिस्टेक. आप मिस्टेक, आपकी जो गलती है उस गलती के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है.
समझ में आए, क्योंकि ये शुरुआत में जो आपकी गलतियां ये होते रहेगी। चलिए जो सेकंड टिप जो बताने जा रहा हूं मैं, वो सराउंड यूअर सेल्फ इन इंग्लिश। देखिए, जब तक कि आप इंग्लिश नहीं सुनोगे तब तक कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। इसलिए आप इंग्लिश के सराउंडिंग में रहिए। अगर आप इंग्लिश के सराउंडिंग में रहते हो आप, तो नो डाउट आप बहुत जल्दी आप उस लैंग्वेज से हैबिचुअल हो जाओगे। बार बार वो इंग्लिश के वर्ड्स आपके कानों पर सुनाई देंगे, इंग्लिश के सेंटेंस सुनोगे, उसके पैटर्न से आप वाकिफ हो जाओगे, उसके पैटर्न को समझने लगोगे। सो इसलिए आप अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप अपने आसपास में आप इंग्लिश का सराउंडिंग क्रिएट कीजिए, इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। ये एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। एंड पुट योर सेल्फ इन एन ऑल इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट वेयर यू कैन लर्न पैसिवली, और जहां आप पैसिवली बहुत अच्छे से अगर आप सीख सकते हो, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक कि आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज थ्रू स्पीकिंग। और अगर इंग्लिश बोलना है, देखो दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, 80% लोग ये कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलना है, लेकिन वो इंग्लिश बोलते नहीं। भाई, कैसा सवाल है? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलोगे नहीं तो कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखोगे? तो उसके लिए आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। इन द बिगिनिंग स्मॉल सेंटेंस यूज कीजिए, सिंपल लैंग्वेज को यूज कीजिए, सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए, दो वर्ड्स वाले सेंटेंस बोलिए, उसके बाद में थ्री वर्ड्स फोर वर्ड्स, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलते रहिए। जनरली शुरुआत में आप इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स लाइक कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस यूज कीजिए, और धीरे धीरे फिर आप उस सेंटेंस से हैबिचुअल हो जाओगे, तो नो डाउट आपके अंदर में वो एक जुनून क्रिएट हो जाएगा, आपके अंदर में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और फिर वह इंटरेस्ट आपको फिर इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए नहीं रोक सकता है। और तीसरी जो बात है, अधिकांश लोगों में मैंने ये देखा, पहले दिन तो बड़े जोश में आ जाते हैं, ऐसा जोश जैसे ऐसा लगता है कि वो दो दिन के अंदर में इंग्लिश सीख जाएंगे, पूरे 48 घंटे वो इंग्लिश के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बाद में वो साल भर उसके बारे में सोचते नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके अंदर में पहले दिन जोश आया है, जैसे आप, हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, अब हमें तो इंग्लिश सीखना चाहिए किसी भी हालत में, मतलब आप जोश से भर गए, लेकिन ये जोश जब तक कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक ये जोश आपके अंदर में होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। अगर एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस एवरीडे, डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए, जो हम जैसे डेली जो हमारा भोजन लेते हैं, है कि नहीं, एक दिन हमने बहुत सारा भोजन कर लिया और सौ दिन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे बेस्ट वे कि आप, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप समय दे सकते हो आप दीजिए, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कंटिन्यूट होना चाहिए। यू हैव टू मेक अ प्लान, सो मेक यूर सेल्फ अ स्टडी प्लान। इसलिए एक स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए आप, कि आप कितना समय आप इंग्लिश बोलने के लिए दे सकते हो, इंग्लिश सीखने के लिए दे सकते हो। एंड डिसाइड हाउ मच टाइम अ वीक यू आर गोइंग टू स्पेंड स्टडिंग एंड स्टिक टू इट। और एक हफ्ते का प्लान बनाए कि एक हफ्ते में आप कितना दिन दे सकते हो, और उस जो आप प्लान बनाते हो उस प्लान पर आप स्टिक रहिए, प्लान को चेंज मत कीजिए। अगर आपने 3 घंटे का प्लान बना लिया तो बिल्कुल आपको 3 घंटे इन या देना है, यानी देना है उसके साथ में, नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल भी उस प्लान को आप डिसमिस मत कीजिए, उस प्लान को ब्रेक मत कीजिए। जो प्लान आपने बना लिया उस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए आप, एंड इस्टेब्लिश द रूटीन, और एक अपना रूटीन क्रिएट कीजिए। आपका जो पर्सनल रूटीन है, आपका जो सुबह जो आप ब्रश करने का टाइमिंग, आपका नहाने का टाइमिंग, ठीक है, आपका खाना खाने का टाइमिंग, आपके ब्रेकफास्ट लंच, ये सब आपका एक रूटीन प्रॉपर वे में चलना चाहिए। और उसी तरह से आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी एक रूटीन बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप इस तरह से काम करते हो, रूटीन बना के काम करते हो, तो नो डाउट आप इंग्लिश सीख सकते हो। चलिए टिप्स नंबर 4, टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी प्लान। देखिए,
जब अगर आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को अगर आपके स्टडी प्लान नहीं होगा तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्प भी करना ज़रूरी है, फैमिली मेंबर्स के साथ काम करना भी ज़रूरी है, उनके लिए समय भी देना ज़रूरी है। तो आप पहले सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को अपना एक स्टडी प्लान बना दीजिए कि भाई मैं इतने घंटे या जो आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग में मैं अपने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी रहेंगी या जो भी आपका प्लान रहेगा वो डिटेल में उनको समझा दीजिए, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर समय में आपको डिस्टर्ब ना करेंगे। ओके, एंड गेट देम टू पुश यू टू स्टडी एंड ऑल्सो डोंट लेट देम इंटरप्ट यू। और जो आपका स्टडी प्लान रहेगा उस प्लान में आप उनको बिल्कुल भी इंटरप्ट ना होने दीजिए, वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से आप उनको एक समझाइश दे दीजिए। चलिए जो लास्ट टिप्स है वह है प्रैक्टिस द फोर स्किल। इस फोर स्किल, ये बेसिक स्किल है, ये सिर्फ मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी लैंग्वेज की बेसिक स्किल है, वह है रीडिंग। ठीक है, हम जितना पढ़ेंगे, हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, इससे हमारे क्या है काफ़ी हमें नए शब्द सीखने को मिलेंगे, नए सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, और रीडिंग से भी हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, है ना। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, देन राइटिंग आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आप लिखते रहिए, अपने मन से लिखिए, आप एक छोटा पैराग्राफ लिखिए, शुरुआत में आप सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए, अपने मन से लिखिए। देखिए, जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस आप खुद से बनाइए, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आपके सेंटेंस शुरुआत में गलत होंगे, डोंट वरी, फिर धीरे धीरे आपके सेंटेंस सही बनने लगेंगे, और उन सेंटेंस को आप बोलिए स्पीकिंग, ठीक है, और लिसनिंग। ठीक है, अगर आप ये फोर स्किल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। और इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो ये फोर स्किल को आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, इन फोर स्किल्स को अपने जीवन में ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। दे ऑल नीड टू बी वर्क ऑन फॉर यू टू इम्प्रूव, क्योंकि ये फोर स्किल आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा एट ए ग्लांस कि देखिए, दीज आर थ्री स्किल्स, यहाँ पर मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमने मैंने जो बाकी के अभी फाइव जो टिप्स बताया वो आपके एक इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपके ग्रामेटिकल नॉलेज या जो भी है वो डिटेल में स्टडी। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, मैं यहाँ पर बात इंग्लिश बोलने की कहता हूँ, मैं अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो ये थ्री स्किल, ठीक है, इस थ्री स्किल को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए मैं इन थ्री स्किल को डिटेल में समझा देता हूँ। लिसनिंग, ठीक है, देखिए, लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डेवलप एनी लैंग्वेज, टू लर्न एनी लैंग्वेज। दुनिया की कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी डायलैक्ट, दुनिया की कोई भी बोली सीखने के लिए, मतलब बोलना सीखने के लिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप छोटे थे, मतलब आपने अपनी मदर टंग आपने सीखा है, तो दोस्तों उस समय आपको उस लैंग्वेज का कोई ग्रामेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था। मतलब आप उस, जैसे आपकी अगर लैंग्वेज मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है, बंगाली है, गुजराती है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज का ग्रामर आप के बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानते थे शुरुआत में। ठीक है, ना उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना आता था, ना उस लैंग्वेज को आपको लिखना आता था, फिर भी हम अपनी मदर टंग को बोलना सीखे। और जो हम बोलते हो, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सभी लोग समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, जो स्पीकिंग जो होता है ना, ये डिपेंड करता है आपके लिसनिंग स्किल के लिए, और लिसनिंग स्किल ये 90% रोल करता है। लेकिन अधिकांश लोग इंग्लिश सुनना पसंद नहीं करते, 90% लोग इंग्लिश सुनना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सुनोगे नहीं यार, तो इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे, है ना। एक और तो आप ये सोचते हो कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है, और बोलने के लिए न जाने आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेते हो, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं सुनते हो, तो इंग्लिश को तो सुनना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश सुनना पड़ेगा। आप जब तक इंग्लिश नहीं सुनोगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो, इसलिए आपको इंग्लिश सुनना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि देखिए एक छोटा बच्चा क्या होता है कि वो पहले उस अपनी लैंग्वेज को, है ना, जो भी उसकी मदर टंग उसको सुनता है, सुनने के बाद में वो समझने की कोशिश करता है, और समझने के बाद में वो फिर धीरे धीरे बोलने लगता है। शुरुआत में एक दो वर्ड्स बोलता है और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है, और इस तरह से विद इन 2 or 3 years और वी कैन से इन 4 years वह अपनी मदर टंग को बोलना सीख सकता है। तो व्हाई शुड नॉट वी इम्प्लीमेंट द सेम ट्रिक्स फॉर इंग्लिश, फिर ये सेम ट्रिक हम इंग्लिश के लिए क्यों ना इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हमारी मदर टंग हो। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग इन 3 स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद में नो डाउट आप शुरुआत में अगर आप सुनोगे तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको समझ में आने जाएंगे। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब इंग्लिश समझ में आती है, तो आप इंग्लिश को बोलना भी सीखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जो ट्रिक्स बताने की कोशिश की है आप उसे डेफिनेटली फॉलो करोगे, और बहुत कम समय में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फ्रेंड सर्कल, योर नेबर्स और वी कैन सी योर रिलेटिव्स। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश को डिटेल में सीखना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश इन डिटेल, प्लीज़ विजिट बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर। आप बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर में आप विजिट कीजिए, वहाँ पे 2000 स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ये सीरीज मतलब हमने चालू की है, तो आप उसमें डिटेल में सेंटेंस बनाना सीख सकते हो। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।